हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द कॉम्पिटिटिव फार्मा ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। मैं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, हमारे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ डी फार्मेसी सेकंड ईयर का क्वेश्चन पेपर, ओके, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का मैं क्वेश्चन पेपर यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। केमिस्ट्री का हमारा पेपर का कोड है 0812, ओके, समर 2019 का ये क्वेश्चन पेपर है। तो मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चंस बताऊंगा किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ये सभी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ये जो पेपर है MSBTE महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन का ये पेपर है, ओके। तो डिस्कस करते हैं एग्जैक्टली क्या क्या क्वेश्चंस थे, ये सभी चीजें यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा 3 आवर्स का क्या है टोटल टाइम पीरियड है, 80 मार्क्स है, ओके। यहाँ पे आपको सीट नंबर आपका फिलअप करना पड़ेगा। इंस्ट्रक्शन क्या क्या आते हैं, ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, आंसर्स ईच नेक्स्ट मेन क्वेश्चन ऑन द न्यू पेज। देखिए, हर एक न्यू पेज पे आपको नया आंसर स्टार्ट करना है, ठीक है। तो बीच में से ये आंसर स्टार्ट नहीं करना है, ठीक है। जो आप नया पेज लेके उसी नए पेज पे आपको क्या करना है, नए क्वेश्चन का आंसर लिखना है। फिगर टू दी राइट इंडिकेशन फुल मार्क्स। देखिए, आपको डायग्राम वगैरह जहाँ पे है इंडिकेट करने के लिए, वहां पे डायग्राम निकालना बहुत जरूरी है। तो डायग्राम आपने निकाली तो क्या हो गया, आपका पॉसिबिलिटी ऑफ मैक्सिमम मार्क इंक्रीजेस, ज्यादा मार्क मिलने की पॉसिबिलिटी वहां पे इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। देन इंस्ट्रक्शन, मोबाइल फोन्स, पेज, एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन डिवाइसेस आर नॉट परमिसेबल इन द एग्जामिनेशन हॉल। वो तो आपको रेगुलरली सभी को ये चीजें मालूम है, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं कि पेपर यहाँ पे एग्जैक्टली क्या है। तो देखिए, फर्स्ट जो क्वेश्चन होता है कभी भी डिप्लोमा फार्मेसी के लिए, अटेम्प्ट एनी 8, किसी भी 8 क्वेश्चन का यहाँ पे क्या करना है, आंसर हमें लिखना है, अटेम्प्ट एनी 8। तो यहाँ पे देखिए, ए है गिव द स्ट्रक्चर एंड नंबरिंग मेथड फॉर एनी 2, उसमें से 2 फ्यूरान, इमिडाजोल, थायाजोल, उसमें से क्या करना है आपको, यहाँ पे स्ट्रक्चर निकालना है। देन डिफाइन द फॉलोइंग टर्म, डायुरेटिक्स, एंटी न्यूप्लास्टिक, एंटीकोएगुलेंट, ये टर्म क्या करने है यहाँ पे आपको डिफाइन करने है, ये टर्म क्या करने है यहाँ पे आपको डिफाइन करने है। देन उसके बाद में थर्ड क्वेश्चन है यहाँ पे, टू गिव द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक ग्रुप, नीचे दिए गए ग्रुप के स्ट्रक्चर लिखने हैं, यानी 2 साइनो, एलिनिन, बेंजीन। तो देखिए, ए बी सी डी, डी क्या है क्वेश्चन यहाँ पे, डी है गिव द स्ट्रक्चर एंड नंबरिंग मेथड ऑफ द फॉलोइंग, स्ट्रक्चर एंड नंबरिंग मेथड देने हैं फॉलोइंग के, एनी 2, उसमें देखिए कौन से है, बेंजामिडाजोल, एक्रिडीन, क्यूनोलिन, इसके क्या देने हैं यहाँ पे स्ट्रक्चर्स एंड दी नंबरिंग कैसी है, उसकी नंबरिंग मेथड क्या है, ये यहाँ पे देने। देन ई क्या है क्वेश्चन, गिव द यूजेस ऑफ, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखने हैं, यूजेस आपको क्या करने हैं लिखने हैं, ठीक है, गिव द यूजेस ऑफ दी यूजेस ऑफ एनी 2, पैरासिटामोल, प्रोपाफ्लोविन, 5 फ्लूरो यूरियासिल, इसके क्या लिखने हैं यहाँ पे आपको यूजेस लिखने हैं। देन गिव द स्टेबिलिटी और स्टोरेज कंडीशन, ठीक है, एनी 2 की स्टोरेज कंडीशन क्या है ये देखने, एफ वाला क्वेश्चन, हिपेरिन, इंसुलिन, थ्रोम्बिन, इसके क्या लिखने हैं स्टोरेज कंडीशन, ये तीनों के लिखने हैं। देन आफ्टर दैट जी देखिए, गिव द ब्रांड नेम ऑफ द फॉलोइंग, ब्रांड नेम लिखने हैं,
मीन्स देखिए आपको स्टडी करते वक्त क्या चीजें करनी होगी, स्टेबिलिटी स्टडी करनी होगी, ब्रांड नेम स्टडी करना, ये भी क्वेश्चन होने के बाद बताता हूँ आपको। गिव द ब्रांड नेम ऑफ एनी फिनफॉर्मिन, टेट्रासाइक्लिन, एस्पिरिन, इसके क्या करने हैं आपको ब्रांड नेम लिखने हैं। देन गिव द नेम ऑफ टू ड्रग्स फ्रॉम द फॉलोइंग कैटेगरी, एंटीसेप्टिक, इसके एग्जाम्पल लिखने हैं, डिसइंफेक्टेंट एंटीसेप्टिक की, एंटी हाइपरटेंसिव की यहाँ पे एग्जाम्पल लिखने हैं, देन एंटी हिस्टामिन इसके एग्जाम्पल लिखने हैं। देन ड्रॉ द स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ड्रॉ करने हैं एनी टू के कैफीन, हेलोपिराडोल, डीईसी, इसके क्या करने हैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करने हैं। गिव द स्ट्रक्चर एंड यूजेस ऑफ एनी वन, इसके स्ट्रक्चर एंड यूजेस निकालने हैं, एट्रोपिन, प्रोपेनोलॉल, इसके स्ट्रक्चर एंड यूजेस निकालने हैं। देन के देखिए के क्या है, डेफिनेशन है, डिफाइन विटामिन, राइट द इंपॉर्टेंस ऑफ विटामिन ए, देन राइट द यूजेस ऑफ एनी टू, नीचे दिए गए दो के क्या करने हैं यूजेस लिखने हैं, इवांस ब्लू, कॉन्गो रेड, इंडिगो, कैरामिन, इसके क्या करने हैं यूजेस। तो ये देखिए अभी कितने हैं आए, तो एक दो तीन कितने क्वेश्चन है मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, ए बी सी डी से आई तक आया है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, तो नाइन है, तो उसमें से कितने लिखने हैं हमको एट लिखने हैं, ठीक है, क्या है कितने लिखने हैं एट लिखने हैं। तो ये क्वेश्चंस आपको इंपॉर्टेंट है, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि स्टडी कैसे करना है केमिस्ट्री का, ठीक है, स्टडी कैसे करना है ये मैं आपको एक वीडियो दूंगा कि केमिस्ट्री का आप स्टडी क्या क्या करोगे कैसे करोगे। देन सेकेंड क्वेश्चन होता है यहाँ पे, अटेम्प्ट एनी फोर, चार अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है, 12 मार्क का ये क्वेश्चन है, पहला जो है वो 16 मार्क का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए, व्हाट इज क्वाट्रमैक्सोल, गिव द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, गिव टू ब्रांड नेम्स ऑफ क्वाट्रमैक्सोल, ठीक है, तो ये पूछा गया है। देन डिफाइन नियोप्लाज्म, क्लासिफाई एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट, एक्सप्लेन द, ये सेकंड वाला क्वेश्चन है। थर्ड है एक्सप्लेन द डायबिटीज मिलिसेट, क्लासीफाई द हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट एंड एग्जाम्पल, एग्जाम्पल बहुत बार पूछे गए हैं, ब्रांड नेम पूछे गए हैं, क्लासिफिकेशन एंड डेफिनेशन, ये चीजें ज्यादा पूछी गई है। गिव द स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज ऑफ थायरोक्सिन, थायरोक्सिन की स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज यहाँ पे देनी है। गिव द ड्रग यूज इन इस डिसीज में कौन से ड्रग यूज होते हैं, एनी थ्री देने हैं यहाँ पे मायस्थीमिया ग्रेविस, लेप्रेसी, गाउट, ट्यूबरकुलोसिस, पार्किंसंस, तो इसमें कौन से ड्रग यूज होते हैं किसी भी तीन के आपको यहाँ पे लिखने हैं। देन एफ देखिए क्या है, डिफाइन कोलिनर्जिक ड्रग, राइट द यूजेस ऑफ पिलोकार्पिन एंड आइसोस्टिग्मिन की यूजेस लिखने हैं। तो यहाँ पे एफ है, ए बी सी डी ई एफ, ठीक है, मीन्स छह है, छह में से चार के आपको क्वेश्चन लिखने हैं। देन क्वेश्चन नंबर थर्ड है, अटेम्प्ट एनी फोर ऑफ द फॉलोइंग, 12 मार्क को है ये भी, तो देखिए उसमें भी कहां तक हो गए, एफ तक होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ए वाला क्वेश्चन, डिफाइन सेडेटिव्स एंड हिप्नोटिक्स एंड क्लासिफाई देम, डेफिनेशन एंड क्लासिफिकेशन आपको 100% करने हैं। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ स्टेरॉइडल न्यूक्लियस एंड नंबरिंग एंड राइट द यूजेस ऑफ टेस्टोस्टेरोन, डिफाइन द कार्डियोवास्कुलर ड्रग, क्लासिफाई देम ऑन द थेरापेटिक यूजेस विद द एग्जांपल कार्डियोवास्कुलर का, ठीक है। व्हाट इज द हिस्टामाइन, गिव द स्ट्रक्चरल यूजेस ऑफ एनी एंटीहिस्टामिनिक एजेंट। Then give the structural uses of any two, ampicillin, halothane, phenantoin, ठीक है, hydroxychlorothiazides, इसके क्या करने हैं uses, ठीक है, structure and uses देने। Define and classify the diuretics with the example. Diuretics के देखिए दो बार definition पूछी गई है, ठीक है, classification, diuretic and example उसके देने। तो ये हो गया हमारा थर्ड क्वेश्चन। देन फोर्थ क्वेश्चन है, अटेम्प्ट एनी फोर, 12 मार्क का है ये भी, यहाँ पे भी एफ तक हो गए, डिफाइन एंड क्लासिफाई एंटी मलेरिया। देखिए डेफिनेशन एंड क्लासिफिकेशन एग्जांपल ये तो हर एक कैटेगरी के करना ही पड़ेगा आपको। डिफाइन एंड क्लासिफाई द कार्डियाटोनिक, राइट अबाउट देयर हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट, देन डिफाइन थ्रोम्बोलाइटिक्स, एंटी डिप्रेशन, एंड गिव द स्ट्रक्चर एंड यूजेस ऑफ इमिप्रा, then give the structure and chemical name and uses of diapsone, then draw the structure of the following chemical name, and name the drug, chemical name diya hai, theek hai, usme se structure nikalna hai, uska naam likhna hai, 4-amino 4-hydroxybenzoic acid and first acetyl sulfonamide, yani first hai wahan pe, theek hai, then define CNS stimulant,
डिस्कस द यूजेस, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ कोरमे, ठीक है, तो ये यहाँ पे पूछा गया है. देन अटेम्प्ट एनी फोर ऑफ द फॉलोइंग, व्हाट इज एमओ एमोबायसिस, एमिनो एमोबायसिस, राइट द स्ट्रक्चर एंड यूजेस ऑफ मेट्रोनिडाजोल, ठीक है. देन डिफाइन, एनी फोर है, 12 मार्क का ये भी है, ठीक है. डिफाइन एंड क्लासिफाई जनरल एनेस्थेटिक्स बेस्ड ऑन देयर रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पे बेस्ड क्लासिफिकेशन वहां पर करना है. डिफाइन एंटीबायोटिक्स, गिव द स्ट्रक्चरल प्रिपरेशन यूजेस ऑफ द बेंजिल पेनिसिलिन. देखिए क्वेश्चंस क्या क्या आते हैं, ये इंपॉर्टेंट है. टू, ये 2019 का पेपर है. अगर ये आपको क्वेश्चन पेपर चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक दी है, वहां पे आप ज्वाइन हो सकते हो, आपको ये पेपर मिल जाएगा. डिफाइन लोकल एनेस्थेटिक्स, राइट द स्ट्रक्चर एंड केमिकल केमिकल नेम ऑफ प्रोकेन हाइड्रोक्लोराइड. देन व्हाट आर द एंटी हाइपरलिपिडेमिक एजेंट, गिव द प्रॉपर्टीज एंड ब्रांड नेम ऑफ क्लोफेब्रेट, ठीक है, उसके ब्रांड नेम वगैरह. एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग है ये. देन एफ है, नेम द रिस्पेक्टिव विटामिन ऑफ विच न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी लीड्स टू. विटामिन के नाम लिखने हैं क्यों, बिलो जो मीन्स बेरी बेरी किस विटामिन की वजह से होती है. देन रिकेट्सिया एंड स्कर्वी, ये यहाँ पे लिखना है. देन सिक्स नंबर का क्वेश्चन है, एट एनी फोर, ये है 16 मार्क का, ठीक है. पहला क्वेश्चन 16 का था, दूसरा 16 का, बाकी के 12 के क्वेश्चन थे सभी, ठीक है. व्हाट इज इपिलेप्सी, क्लासिफाई एंटी कोएगुलेंट्स, एंटी कन्वल्सेंट, सॉरी नॉट अ कोएगुलेंट, कोएगुलेंट अलग कैटेगरी है, एंटी कन्वल्सेंट विद द एग्जांपल. देन क्लासिफाई एंटीबायोटिक विद द एग्जांपल, ठीक है. ये यहाँ पे 4 मार्क का एक क्वेश्चन है, पिछले वाले में 3 मार्क का था, ठीक है. गिव द स्ट्रक्चर प्रॉपर्टी यूजेस ब्रांड नेम ऑफ फिनोबारबिटोल, उसके सभी स्ट्रक्चर प्रॉपर्टी यूजेस सभी ब्रांड नेम यहाँ पे लिखने हैं. देन गिव द यूजेस एंड प्रिपरेशन एनी टू, किसी भी दो का, क्लोरोम्फिनिकॉल, साल्ब्यूटामोल, हायोसाइन, प्रोमिथाजाइन, इसके क्या लिखने हैं, यूजेस एंड द प्रिपरेशंस. देन गिव द यूजेस एंड स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी देखिए, पैराल्डिहाइड, साइक्लोप्रोपेन, डाइथिलीथर, रिफाम्पिसिन, इसके क्या करनी है, यूजेस एंड द स्टेबिलिटी यहाँ पे लिखनी है. देन गिव द स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ मेनाडायल, ठीक है, मेनाडायल का ये आपको लिखना है. तो यहाँ पे देखिए आप क्वेश्चन जो पूछे गए हैं, तो वो पहला जो क्वेश्चन है, टोटल 6 क्वेश्चन है, पहला जो क्वेश्चन है वो 16 मार्क का है, लास्ट का क्वेश्चन वो 16 मार्क का है, बाकी का क्वेश्चन 12 मार्क के, ठीक है. तो ऐसा टोटल हमारा 80 मार्क्स का ये हमारा पेपर रहता है, ठीक है. तो ये सब इम्पोर्टेंट है, तो मैं एक वीडियो आपके लिए बनाऊंगा, वहां पे स्टडी क्या क्या करना है ये सभी चीजें मैं आपको बताऊंगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो. थैंक्स वंस अगेन, प्लीज सब्सक्राइब कॉम्पिटिटिव फार्मा. थैंक यू.